तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ यह हमारा जैसे एमएमसी प्रोग्रामिंग के ऊपर आगे का टॉपिक है। पहला वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दिया था कि एमएमसी का जो सिलेबस है वो हम लोग क्या क्या सारी चीजें जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि सबसे पहली बात क्या है, एमएमसी आईसी क्या है। पहली चीज, दूसरी बात क्या है, एमएमसी और यूएफएस क्या होता है। तो हम लोग आज दोस्तों जो सीखने वाले हैं कि एमएमसी आईसी क्या है और एमएमसी और यूएफएस क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से आज सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग का टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक में बात कर रहे हैं, ये एमएमसी आईसी क्या है और एमएमसी यूएफएस का क्या यूज है, मोबाइल फोन में एमएमसी यूएफएस क्या काम करता है, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको दिया था कि सॉफ्टवेयर संबंधित जितने भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, या चाहे तुम्हारा डोंगल हो या अनलॉक टूल हो, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, इसके ऊपर मैंने काफी वीडियो दिया हुआ था। लेकिन प्रोग्रामिंग के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो न होने की वजह से काफी आप लोगों ने मैसेज किया था कि सर मुझे ऐसा भी वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इसके लिए पूरा सीरीज लेकर गया हूँ कि कैसे आप एमएमसी आईसी को पहचान सकते हैं या एमएमसी आईसी मोबाइल फोन में क्या काम होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी लेकर के मैं वीडियो लेकर गया हूँ। तो दोस्तों, ये जितने भी सारी वीडियो हैं ये आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल होने वाली है और इस वीडियो के माध्यम से आप काफी चीजों को सीख सकते हैं, सीखने बाद आप अपना अच्छा से काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमएमसी आईसी क्या है। जितने भी हमारे आजकल के समय पर देखा जाए, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं, जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, जहां पर अगर स्मार्टफोन शब्द का यूज किया जाता है या एंड्रॉयड फोन शब्द का यूज किया जाता है, तो वहां पर समझ लीजिए एमएमसी आईसी है। एमएमसी आईसी हमारे मोबाइल फोन के मेन स्टोरेज आईसी है और सभी मोबाइल फोन में पाई जाती है। और इसका काम होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी सारा स्टोरेज का पार्ट है, वो सारा पार्ट इसके अंदर हमारा क्या रहता है, स्टोर रहता है। मतलब पूरा मोबाइल फोन की जो पीसीबी है, आपके मोबाइल फोन में सारी चीजें लगी हैं, कनेक्टर है, सीपीयू है, पावर है, डब्ल्यूडीएस, सब चीजें लगी हैं। लेकिन सब चीजों में चलती आपस में कैसे हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर डाटा जो होता है वो आपका एमएमसी आईसी के अंदर क्या रहता है, स्टोर रहता है। ये आईसी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, यहां तक की स्टोरेज में हमारे मोबाइल फोन में फिलहाल आ चुकी हैं। और 4 GB, 8 GB, जैसे आप मार्केट में मोबाइल फोन लेने जाते हैं ना, तो मोबाइल फोन लेने से पहले आपसे मोबाइल फोन पूछा जाता है, भाई आपको मोबाइल फोन कौन चाहिए, 4 GB, 8 GB वाला चाहिए, 16 GB वाला चाहिए, 32 चाहिए, 64 चाहिए, कौन सा चाहिए, मतलब तुमको स्टोरेज कौन सा चाहिए। तो मोबाइल फोन के अंदर के मेन जो चीज होती है वो हमारा स्टोरेज है, जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर भी स्टोर होता है और हमारा जो पर्सनली डाटा होता है वो भी हमारा स्टोर होता है। तो एमएमसी आईसी सभी मोबाइल फोन में पाई जाती है, जितने भी स्मार्ट मोबाइल फोन है सभी स्मार्ट मोबाइल फोन में एमएमसी आईसी पाई जाती है। इसका काम होता है सॉफ्टवेयर को स्टोर करना, सेट के लिए रैम का भी यूज होता है, जिससे हमारे स्पीड के लिए यूज होता है, जो पसली डाटा होता है वो भी डाटा या सॉफ्टवेयर, जो भी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हमारे एमएमसी आईसी के अंदर स्टोर होती हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि एमएमसी और यूएफएस क्या चीज होती है। जितने भी मोबाइल फोन पाए जाते हैं, जो पुराने मोबाइल फोन पाए जाते थे, जो ओल्ड मोबाइल फोन पाए जाते थे, उसमें हमारी जो यूज होती थी वो एमएमसी थी। और आप जितने भी न्यू मोबाइल फोन पाए जाते हैं, उस नए मोबाइल फोन में से आपका यूएफएस यूज होता है। अच्छा, एमएमसी और यूएफएस में सबसे पहली बात क्या था, फर्क क्या होता है। एमएमसी यूएफएस दोनों देखने में समथिंग एक ही जैसे दिखते हैं, एक ही तरह से बॉल आती हैं, पिंस आती हैं, बस इनका फर्क ये रहता है कि स्पीड का फर्क होता है। स्पीड का जैसे क्या रहा, अगर देखा जाए तो एमएमसी आईसी जो होती है इसकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, और यूएफएस आईसी जो होती है इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। आजकल के समय पर जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में फास्टेज का बहुत अच्छा क्रेज है। मतलब हर एक आदमी को जो मोबाइल फोन चाहिए, फास्ट चाहिए, फास्ट, तेज 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 तेज। तो जब मोबाइल फोन आपको तेज चाहिए, तो मोबाइल फोन को तेज कौन करने वाला है, तो मोबाइल फोन को जो स्पीड देने वाला है वो आपका एमएमसी और यूएफएस। ज्यादातर मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे मोबाइल फोन को जो स्पीड होता है वो प्रोसेसर जो होता है वो उसको स्पीड देता है, सीपीयू स्पीड देता है,
बिल्कुल वाकई में सभी मोबाइल फोन को प्रोसेसर स्पीड देता है, लेकिन ये बताइए अगर प्रोसेसर प्रोसेसिंग तो कर देगा लेकिन उस प्रोसेसिंग को अंजाम कौन देगा? उस प्रोसेसिंग का अंजाम जो देगा वो तुम्हारा उसका सॉफ्टवेयर। जैसे प्रोसेसर ने बताया ये कर दो, आवाज इतनी बढ़ा दो, ये गेम ऐसे करो, यहां से ये वो कॉपी पेस्ट डिलीट सब कुछ प्रोसेसर ने कमांड दे दिया, बहुत फास्ट कमांड देगा, लेकिन उस कमांड को अप्लाई कौन करेगा? उस कमांड को अप्लाई करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को स्पीड कौन देगा? एमएमसी और यूएफएस। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आपको प्रोसेसर कितना भी तेज है लेकिन अगर प्रोसेसर के साथ में अगर आपका एमएमसी और यूएफएस नहीं लगा हुआ है, अगर ये दोनों नहीं तेज होने वाले हैं तो आपके मोबाइल फोन में स्पीड नहीं होने वाली है। अब देखिए मैं आपको फर्क बताता हूं कि एमएमसी और यूएफएस में क्या फर्क होता है। अब जैसे एमएमसी आईसी आई थी तो एमएमसी आईसी के भी अलग अलग वेरियंट आए थे, अलग अलग वर्जन आए थे। जैसे सबसे पहला जो एमएमसी का जो वर्जन आया था स्टार्टिंग से, जैसे 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, इस तरीके से ऐसे भी इसके स्टेप बाय स्टेप वर्जन आए। वर्जन का मतलब होता था कि जैसे आपका 4.0 था तो 4.0 में 300 Mbps की डाटा स्पीड ट्रांसफर हो रही थी, उसके बाद फिर 4.1 था उसमें 350 हो गई, फिर 400 हो गई, फिर 500 हो गई, 600 हो गई, इस तरीके से स्पीड में डाटा ट्रांसफर रेट तेज होने लगा। मतलब जिसको कोई डाटा को कॉपी करने में, मान लिया 2 GB डाटा कॉपी करने में 10 मिनट का समय लगता था, अगर मान लिया 4.1 हो गए तो उसमें से 10 मिनट की जगह 8 मिनट में हो गया, अगर आपका 5.0 हो गया तो 5 मिनट में हो गया, 5.1 हो गया तो 3 मिनट में हो गया। इसी तरीके से जो यूएफएस जो स्टोरेज है, तो यूएफएस का जो स्टोरेज जो स्टार्ट हुआ था 2.0 से लेकर के आज की डेट में देखा जाए 3.0 है, 3.1, तो सभी मोबाइल फोन में 2.0, 3.0, 3.1 इस तरीके से इसके वर्जन आए। और इसकी जो फास्ट 550 Mbps डाटा ट्रांसफर रेट स्टार्ट हुआ, इसका कहां से स्टार्ट हुआ, कहां 100, 150, 60, 70, इसका जो 550 से स्पीड डाटा ट्रांसफर रेट, स्पीड डाटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ। अगर अगर देखा जाए तो इसमें से जो काम बहुत फास्टेज हुआ तो 10 मिनट को इन्होंने 3 मिनट में कवर कर लिया, तो इसने उस काम को एक ही मिनट में स्टार्टिंग, मतलब 1-2 मिनट में ही डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए जैसे हमारे कंप्यूटर की लाइन में होता है, कंप्यूटर की लाइन में दो चीज पाई जाती है, एक हार्ड डिस्क होता है, दूसरा SSD। तो हार्ड डिस्क जो होता है वो उसके अंदर प्लेटर मीडिया लगा होता है, वो राउंड घूमता है, 10,000 RPM होते हैं, और उसी तरीके जो हमारे SSD लगा होता है, SSD के अंदर स्टोरेज लगे होते हैं, तो स्टोरेज में क्या होता है, फास्ट डाटा मूव होता है, तो डाटा स्पीड तेज होती है। तो जब डाटा रेट स्पीड तेज होगी तो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो तेज चलेगा, कोई भी कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी तेज होगा, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर को जो ओपन करेंगे तो वो भी तेज ओपन होगा, वो भी फास्टली ओपन होंगे। तो हमारा जो यूएफएस में अगर देखा जाए तो यूएफएस की डाटा रेट स्पीड बहुत तेज है। अच्छा, इसमें फर्क क्या होता है, तेज कैसे है, मैं आपको ये थोड़ा समझाने वाला हूं कि एमएमसी से यूएफएस तेज कैसे है। जो एमएमसी आईसी लगी होती है, अगर एमएमसी आईसी जो डाटा को ट्रांसफर करती है, किसी से डाटा ले रही है, दे रही है, ये डाटा ट्रांसफर रेट जो होता है इनका सिंगल टास्किंग होता है, सिंगल टास्किंग का मतलब होता है हमारे चीज में, सिंगल टास्क मतलब दो चीजें होती हैं, एक होता है रीड, दूसरा होता है राइट, मतलब एक ही बार में, एक बार में या तो ये दे सकता है या तो फिर भाई ले सकता है। तो इसका डाटा ट्रांसफर रेट कैसा होता है, सिंगल टास्किंग होता है। तो सिंगल टास्किंग का मतलब होता है या तो एक बार में डाटा को दे पाएगा या तो एक बार में डाटा को ले पाएगा, तो ये सिंगल टास्किंग पे वर्क करता है। अच्छा, यूएफएस में क्या होता है, यूएफएस में यही चीजें तुम्हारी क्या होती है, फास्ट होती है, जिसमें जो भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो डाटा ट्रांसफर आपका क्या होता है, फास्ट होता है, मतलब डबल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर होता है, मतलब इसमें एक ही बार में राइट होता है और एक ही बार में रीड होता है। तो डाटा ट्रांसफर का जो डुप्लेक्स होता है वो कैसा हो जाता है, डबल डुप्लेक्स हो जाता है। तो डबल डुप्लेक्स होने की वजह से आपका जो यूएफएस होता है ये क्या रहता है, बाकी एमएमसी के अपेक्षा 2 गुना फास्टर होता है। तो जब 2 गुना फास्टर होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो 10 मिनट का काम 5 मिनट में होगा तो इसका जाहिर सी बात है 10 मिनट का काम 2 ही मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाटा स्पीड हमारी क्या है, फास्ट है। तो एमएमसी यूएफएस में मेनली जो डिफरेंस होता है उसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड
फंस है। जो यूएफएस की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2012-13 से यूएफएस की स्टार्टिंग हुई थी। एमएमसी की स्टार्टिंग पहले से ही थी, पहले मोबाइल फोन में एमएमसी आईसी ही आई थी, उसके बाद यूएफएस आईसी पहले मोबाइल फोन में नहीं आती, पहले एमएमसी का ही यूज होता था। उसके बाद जो पहले के जो प्रोसेसर आते थे वो प्रोसेसर भी एमएमसी को सपोर्ट करते थे, यूएफएस सपोर्टेड मतलब प्रोसेसर नहीं होते थे। अब आजकल के टाइम पे जितने भी तुम्हारे क्वालिकॉम है, मीडियाटेक है, या जो भी नए या 5G जितने भी मोबाइल फोन आ रहे हैं, सारे मोस्टली 5G मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे यूएफएस का यूज किया जाता है। क्योंकि यूएफएस का यूज करने का मतलब है मेन चीज है डाटा को ट्रांसफर मूव करना, डाटा को स्पीड देना। डाटा को स्पीड मूव करने के लिए ही हम लोग इस स्टोरेज आईसी का यूज करते हैं और ये हमारा मोबाइल फोन में इसका यूज होता है। तो एमएमसी का क्या यूज होता है, ये सिंगल टास्किंग वर्क होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी डाटा ट्रांसफर रेट स्लो होता है, और यूएफएस का जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है ये कई गुना फास्ट होता है। जितने भी सारे आपके सैमसंग जो मोबाइल फोन आ रहे हैं, जो S3 फोल्ड मोबाइल फोन आ रहे हैं, या S23 अल्ट्रा मोबाइल फोन आ रहे हैं, उस सब के अंदर यूएफएस 3.1 है, या वन प्लस के जो मोबाइल फोन आ रहे हैं, 7 प्रो मोबाइल फोन आ रहे हैं, उसके अंदर आपका यूएफएस 3.1 है। इस तरीके से स्टोरेज का यूज किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर एमएमसी लगाए कि यूएफएस लगाए, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा जीएसएम अरीना से देख सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट होती है जीएसएम अरीना, जो हमारे मोबाइल फोन में ये बताने काम करती है कि मोबाइल फोन में एमएमसी लगाए कि यूएफएस लगाए। चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आपको गूगल खोलना पड़ेगा। आपने गूगल खोला, गूगल खोलने के बाद जैसे आपने मोबाइल फोन में डाला, एग्जाम्पल सी बात आता है कि सैमसंग M31S जैसा मदीना, जैसे हमने इसको फोटो खोला, अगर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए मेमोरी कार्ड इंटरनल लिखा हुआ है यूएफएस 2.1। तो ये पर आपकी जो आईसी लगी ये क्या लगा हुआ है, यूएफएस 2.1। अच्छा, इसमें देखिए स्टोरेज आपका, जैसे मैंने बताया ना कि आपका मोबाइल फोन स्टोरेज के हिसाब से ही आते हैं, जैसे 6/128/8/128 जो हमारे स्टोरेज के हिसाब से आते हैं, तो ये हमारा ये स्टोरेज जो होता है यही हमारा एमएमसी और यूएफएस जो है यही स्टोरेज है। तो ये जो आपका दिया हुआ यूएफएस 2.1, क्या दिया हुआ है, यूएफएस 2.1। तो जाहिर सी बात है इसका डाटा ट्रांसफर रेट हमारा फास्ट होने वाला है और ये हमारा मोबाइल फोन फास्ट चलेगा। अब मैं आपको दूसरा मोबाइल फोन ओपन करके दिखाता हूं, जैसे MI 6 Pro। आगे हमने डाला जीएसएम अरीना, देखिए इसके अंदर जो लगा हुआ है एमएमसी कितना लगा, 5.1। अब मैं कोई पुराना मोबाइल फोन आपको दिखाता हूं, MI 5A, ये समझना। तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है एमएमसी 5.1, मतलब इसमें यूएफएस का यूज नहीं किया गया है। तो पहले के जो प्रोसेसर हमारे आते थे वो यूएफएस सपोर्टेड नहीं थे, वो यूएफएस को सपोर्ट नहीं करते थे। अब जब नया लेटेस्ट जनरेशन का जो सीपीयू आया, या मीडियाटेक है, या हमारे क्वालिकॉम है, तो इन सब के अंदर यूएफएस सपोर्टिंग का ऑप्शन आया। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेसर को तेज किया गया है तो प्रोसेसर तेज करने से काम नहीं होने वाला, आपको जाहिर सी बात है उसका स्टोरेज जो है उस स्टोरेज को भी चेंज करना पड़ेगा, एमएमसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं देखो डाटा ट्रांसफर रेट की मैं तुमको बताता हूं, देखिए पहले हमारे क्या आते थे, माइक्रो एसडी आते थे,
माइक्रो एसडी के बाद क्या हुआ है, एमएमसी 4.5, 5.0, 5.1। जब 5.1 2015 के बाद मतलब बंद हुआ, उसके बाद 5.1 के बाद 5.2 नहीं आया, फिलहाल लास्ट एमएमसी में 5.1 तक ही आया। उसके बाद 2014 से ही यूएफएस स्टार्ट हो गया था 2.0, और ये 2014 से स्टार्ट हुआ। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका 5.1 2015 में डाटा ट्रांसफर रेट कितना था, 250 एमबीपीएस, जो सबसे हायर, मतलब सबसे हायर डाटा ट्रांसफर रेट कितना था, 250। तो इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट कितना स्टार्ट हुआ, 350 से लेकर के 1900-1400 रीड राइट स्पीड, तो हमारे 14000। तो हमारी स्पीड का अगर देखा जाए तो मेन चीज जो इसमें परिवर्तन हुआ है वो स्पीड में, कि डाटा ट्रांसफर जो एमबीपीएस की जो स्पीड है वो रीड राइट की डाटा ट्रांसफर स्पीड कितनी है, ये सारी चीज है, इन सब चीजों में परिवर्तन हो गया है। तो हमारा जो एमएमसी आईसी होती है, एमएमसी आईसी से यूएफएस ऑफ आईसी कई गुना फास्टर होती है। तो फास्टर होने की वजह से उसमें से काफी चीजें ऐसी होती हैं जो उसमें से चेंजेस भी होते हैं। देखिए यहां पर जो हमें बात आपको कर रहा था कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि अगर आप एमएमसी आईसी की बात करेंगे, एमएमसी आईसी में जैसे होस्ट मतलब जहां से डाटा आ रहा है और एमएमसी में जा रहा है, आना जाना, तो ये हमारा हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है रीड और राइट। या तो आप एक बार में दे सकते हो या तो एक बार में आप ले सकते हो, दो में एक ही बार। लेकिन ये जो होता है ये फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, तो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है एक बार में रीड राइट दोनों होता है, मतलब रीड भी होगा और राइट भी होगा। तो रीड राइट जब दोनों होता है तो जाहिर सी बात है हमारा डाटा ट्रांसफर स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एमएमसी में कई बार ऐसा होता था कि जैसे हम कोई भी मान लो वीडियो है हमने भेजी, पांच अलग अलग पांच फाइलें हैं, पांचों फाइलों को भेजा, पांच फाइल भेजने के बाद अगर मान लिया जाएंगी तो पूरी जाएंगी, नहीं तो फाइलें कैंसिल हो गई तो पूरी फाइलें कैंसिल हो गई। लेकिन इसमें डुप्लेक्स में क्या होता था कि जब डबल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर होता था तो डाटा ट्रांसफर में ऐसा होता था कि अगर मान लिया कई बार ऐसा होता था कि पांच में जाकर के लास्ट में 10% पे अटक गया, तो 10% पे अटकने का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फट से कैंसिल हो गया, 10% पे अटकने का मतलब होता है जितना दो तीन फाइल गया तो उतना पहुंच गया, बाकी फाइल रुक गया, आप उन फाइल को सिलेक्ट करके दोबारा भेज दीजिए। तो इसमें डबल डुप्लेक्स में ये एक बड़ा बेनिफिट होता था कि जो डाटा गया तो चला जाएगा, बाकी जो कैंसिल जितना हुआ उतना ही कैंसिल होता था, बाकी डाटा फिलहाल ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होता था, अगर कैंसिल हुआ तो पूरा ही कैंसिल हो जाता था, डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता था। तो क्यों, क्योंकि सिंगल टास्किंग पे काम करता है, या तो जाएगा या तो आएगा, आएगा जाएगा तो पूरा ही होगा नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ये डबल डुप्लेक्स में होता था इसलिए डाटा ट्रांसफर रेट अच्छी होती थी और साथ में डाटा जो हमारा जाना होता था वो भी डाटा पहुंच जाता था। अगर बीच में थोड़ा सा लास्ट के टाइम पे कैंसिल भी हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उसकी तीन चार अलग अलग फाइलें हैं मल्टी फाइल में तो उसकी जितनी फाइलें जा सकती थी डबल डुप्लेक्स के हिसाब से वो उतनी फाइलें पहुंच जाती थी, पूरा डाटा मतलब कैंसिल नहीं होता था। ये सारी चीजों का इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क देखा जाता था। तो जितने भी मोबाइल फोन होते हैं, सारे मोबाइल फोन के अंदर अगर ये आईसी पाई जाती है तो ये कौन सी आईसी पाई जाती है, एमएमसी और यूएफएस। अगर आपको स्पीड करना है, स्पीड चाहिए तो क्या है, यूएफएस। और पहले के मोबाइल फोन में आपका एमएमसी यूज होती थी, अब फिलहाल नहीं आ रही है, अब बस ये दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। दूसरी बात क्या है, अगर डाटा ट्रांसफर की बात करी जाए कि एमएमसी जो होती है जो डाटा आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, डाटा सिंक्रोनाइज करती है, वो भी मैं आपको बताता हूं। जो एमएमसी होती थी जो एक डाटा एक दूसरे को ट्रांसफर करती थी, भेजती थी, उसके लिए हमारा जो डाटा के सिग्नल की जरूरत होती थी, डाटा सीएमडी, सीएलके, वीसीसी, वीसीसीक्यू और ग्राउंड। लेकिन जब यूएफएस एक दूसरे को डाटा ट्रांसफर करता है तो इसमें होता था आरएक्स ऑन, टीएक्स ऑन, आरएक्स ओपी, टीएक्स ओपी। तो हमारा क्या होता था कि एक ही बार में डबल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसफर होता था। जब डबल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसफर होता था तो जाहिर सी बात है हमारी स्पीड कैसे हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी।
इसके लिए इन चार लाइनों का यूज किया जाता था, इसमें से छह लाइनों का यूज किया जाता था। इसमें सिंगल टास्किंग पे वर्क होता था और इसमें से डबल डुप्लेक्स में डाटा ट्रांसफर स्पीड फास्ट डाटा ट्रांसफर होता था। तो यही हमारा जितने भी मोबाइल फोन हैं जो आजकल के टाइम पे स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, तो सभी स्मार्ट मोबाइल फोन में से ये एमएमसी और यूएफएस में स्पीड का ही मैटर है। अगर आप देखा जाए आज के टाइम पर, अगर आज के टाइम पर कंपेरिजन करते हैं, आज के डेट में अगर आप इनकी बात करेंगे कि इनमें से, तो सबसे पहले यूज होता है तुम्हारा एमएमसी। एमएमसी से ऊपर वेरिएंट की बात अगर आप करते हैं तो ये होता है तुम्हारा यूएफएस। यूएफएस से ऊपर वेरिएंट होता है वो तुम्हारा एसएसडी होता है। एसएसडी से भी ऊपर वेरिएंट की बात करते हैं तो एनवीएमई। तो इससे डाटा ट्रांसफर रेट इसमें, इससे ज्यादा डाटा रेट ट्रांसफर इसमें, इससे डाटा ट्रांसफर इसमें, और इससे कम की अगर आप बात करेंगे तो इससे कम भी आता था, ऐसी बात नहीं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। वो होता था हमारा माइक्रो एसडी। माइक्रो एसडी से भी कम अगर बात करते हैं तो वो आपका आता था एचडीडी। अगर एचडीडी से भी डाटा ट्रांसफर कम रेट की बात करते हैं तो वो हमारा आता था डीवीडी। डीवीडी से भी कम फास्ट डाटा रेट ट्रांसफर करने की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा आता है सीडी। सीडी से भी कम डाटा ट्रांसफर रेट की बात करते हैं तो वो आपका सीडी से नीचे आता था कैसेट, जो पहले नहीं, पुराने जमाने में जो गाने सुनते थे कैसेट रील चलती थी इसमें, उससे हम बोलते थे कैसेट। कैसेट से भी डाटा ट्रांसफर रेट की अगर स्लो की बात करते थे तो फिर हमारा आता था फ्लॉपी। तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफर रेट स्पीड दिन पर दिन ग्रोथ करता चला गया। तो पहले फ्लॉपी, कैसेट, सीडी, डीवीडी, एचडीडी, माइक्रो एसडी, माइक्रो एसडी से ऊपर एमएमसी, एमएमसी से ऊपर यूएफएस, एसएसडी और एनवीएमई। आज के डेट में एनवीएमई चल रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा ये सब चीजें जो है, ये तीनों जो, ये जितने भी सारे जो मीडिया मैंने आपको बताए हैं, ये सारे सब स्टोरेज मीडिया हैं। क्या है? स्टोरेज मीडिया है जो डाटा को स्टोर करते हैं, और डाटा का मतलब सॉफ्टवेयर, फाइल, फोल्डर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी डाटा फॉर्म में होता है उन सब चीजों को स्टोरेज करते हैं। और स्टोरेज करने के बाद इस तरीके से हमारा स्टोरेज दिन पर दिन बढ़ता गया, ग्रोथ उसमें बढ़ती गई। आज की डेट में हम लोग यहां पर हैं ऐसा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा एमएमसी और यूएफएस क्या होता है, और एमएमसी यूएफएस देखने में कैसा होता है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। वैसे तो मैंने पहले की वीडियो में मैं आपको दिखाया था एमएमसी देखने में कैसा होता है, इस तरीके से ये हमारी स्टोरेज आईसी होती है। ये अलग अलग चार पांच छह डिजाइन की आती हैं, जैसे इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, इसका डिजाइन अलग है, तो ये अलग अलग डिजाइनों के हिसाब से आती हैं। और जो भी हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ये देखें एनवीएमई दिया हुआ है, तो ये जो भी होता है ये हमारा सॉफ्टवेयर स्टोरेज करने के लिए यूज करी जाती है। कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, फाइल है, जो भी सब चीज अगर आप स्टोर करेंगे तो स्टोर कहां पर करेंगे? जैसे कहते हैं हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज, हमारा पूरा बॉडी है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज लगा होगा जहां पर हमारा सारा डाटा मेमोरी स्टोर होता होगा। अगर वो नहीं स्टोर रहा तो हाथ पैर जो चल रहे हैं ना, ये भी नहीं चलने वाले। जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो वहां पर कहीं ना कहीं फिट है। उसी तरीके से हमारे जो एमएमसी आईसी होती है, या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो, उस हार्डवेयर डिवाइस को काम करने के लिए, उसका प्रोग्राम या उसका डाटा को स्टोरेज करने के लिए, उसका सॉफ्टवेयर या उसको यूज करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन जो जहां पर रखी जाती हैं, वो रखने के आप जगह को आप एमएमसी कह सकते हैं या यूएफएस कह सकते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन में यूज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमएमसी और यूएफएस क्या चीज होती है, और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आप कोई भी मार्केट में मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं
अगर मार्केट में मोबाइल फोन अगर वो क्वालिकॉम प्रोसेसर के साथ में मिल रहा है और उसमें से 5.1 एमएमसी लगा हुआ है और दूसरा मोबाइल फोन मिल रहा है सेम रेट में है और उसमें जो लगा हुआ है 2.0 लगा हुआ है या 3.1 लगा हुआ है, यूएफएस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात आप समझ जाइए कि वो उससे मोबाइल फोन वो फास्टर क्यों फास्टर है, क्योंकि प्रोसेसर तो तेज करेगा तो एमएमसी भी तो तेज होना चाहिए ना। कई बार ऐसा होता है कि दोनों मोबाइल फोन क्वालिकॉम का जो मोबाइल फोन है थोड़ा सा वैसे महंगा होता है, जो मीडियाटेक प्रोसेसर का मोबाइल फोन होता है सस्ता होता है। अगर देखा जाए दोनों मिडिल रेंज के मोबाइल फोन में कंपेरिजन किया जाता है तो ये भी 12,000 रुपए का, वो भी 12,000 रुपए का, दोनों में आपस में क्या कर देते हैं, जो क्वालिकॉम है वो एमएमसी को यूज कर लेता है तो हो सकता है उसका स्पीड स्लो हो जाए, मीडियाटेक वही प्रोसेसर यूएफएस को यूज कर लेता है तो जिससे उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है और इससे बेहतर वो काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों का तेज होना बहुत जरूरी। अगर मैंने आपको गेंद फेंका तो जाहिर सी बात है आपको भी उतनी स्पीड में कैच करना पड़ेगा, तभी तो डाटा ट्रांसफर होगा, नहीं तो कैसे ट्रांसफर होगा। तो दोनों को फास्ट चार्ज होना बहुत जरूरी है। तो आजकल के जितने भी समय पर जो भी मोबाइल फोन आ रहे हैं सभी मोबाइल फोन में देखिए एमएमसी लिखा है 45 Mbps, 128 GB स्कैंडिक, ये सारी डिटेल डाटा ट्रांसफर रेट पर ही डिपेंड करता है कि डाटा ट्रांसफर रेट कितना तेज होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि मैंने एमएमसी और यूएफएस के बारे में आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको जो भी सारी चीजें जानकारी मिली है वो आप अच्छे तरीके से आपको वो आपको सीखने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। अच्छा ये जितना भी सारा चीज है मैं आपको एक एक करके लिखता हूं बोर्ड में, ये देखिए ये जितनी सारी चीजें जो मैं लिखता हूं ये आप लोग अपने कॉपी में ऐसे स्टेप बाय स्टेप नोट भी किया करें। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप नोट करोगे तो तुरंत ऐसा नहीं कि मेमोरी ऐसा है कि आई और तुरंत बस गई, दिमाग से निकल भी जाती है। अगर इन सब चीजों का अगर आप अच्छे से लिखोगे तो लिखने से क्या होगा, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये सारी बातें आपके दिमाग के अंदर क्या रहेंगी, सेट रहेंगी, और वो कोई चीज दिक्कत आती है तो आप उससे रिवाइज कर सकते हो। ये वीडियो आपको इसीलिए है ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सकें, अच्छी तरीके काम कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने समझाया है कि एमएमसी आईसी क्या होती है, एमएमसी आईसी का मोबाइल फोन में क्या रोल होता है और एमएमसी यूएफएस में दोनों में क्या फर्क होते हैं और क्या क्या स्टोरेज हमारे पास आए हुए हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एमएमसी आईसीयू को प्रोग्राम करने का तरीका कैसे स्टार्ट करेंगे, एमएमसी आईसीयू को प्रोग्राम कैसे किया जाता है, या एमएमसी आईसी कल को करप्ट हो जाती है, एमएमसी आईसी खराब हो जाती है, एमएमसी आईसीयू को चेंज करना है तो चेंज करेंगे तो उसके अंदर कैसे प्रोग्राम डाला जाएगा, कैसे सॉफ्टवेयर को लोड किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। ये सर जो एमएमसी के ऊपर जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया इसका कम से कम आपको सर ये 15 से 20 वीडियो आपको मिलेगा ताकि आप काफी चीजों को नॉर्मल चीजों को आप डिटेल में अच्छी तरीके से सीख सकते हैं और अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से एमएमसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या एमएमसी की वजह से मोबाइल फोन हमारे डेड हो जाते हैं, या हमारे मोबाइल फोन हैंग लोगों में खड़े हो जाते हैं, रिस्टार्ट होने लगते हैं, उन सारी समस्याओं को 90% कंज्यूम का मैसेज आने लगता है या बैड हेल्थ हो जाती है, ऐसी जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उनका भी सोल्यूशन आपको आगे प्रॉपर 1x1 मिलने वाला है। और एमएमसी के अंदर से डाटा कैसे निकाला जाता है, कोई भी फोन डैमेज हो जाता है, टूट फूट जाता है, खराब हो जाता है तो उसके अंदर का डाटा कैसे निकाला जाता है उसका तरीका भी मैं आगे के वीडियो में आपको दूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें, अच्छी तरीके से काम कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।